ये वाकया तो मेरी पैदाइश से पहले का है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर यकीनन आप भी खौफ की दुनिया के एक और वाक्य से लुत्फंदोज होंगे। ये वाक्या हकीकत पर मबनी है जो कि मेरे अप्पू के साथ पेश आया। पहले का ज़माना था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, कच्ची आबादी थी, तो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाक्यात होते रहे जिसे फरामोश करना नामुमकिन है। आज से कई साल पहले जब अबू अम्मी की नई नई शादी हुई थी, उस वक्त अबू एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर आते। स्टॉप से उतरकर घर आने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। पहले मैदान आता था जिसे क्रॉस करके रोड के साथ गलियों का सिलसिला था। उन्हीं गलियों में से मैदान के एन सामने वाली गली में हमारा घर था। कहा जाता था कि उस मैदान में कुछ आसेबी चीज़ें हैं। आबादी से पहले ये मैदान झाड़ियों से आबाद था और आबादी ना होने की वजह से लोग अपने मुर्दों की तदफीन इसी मैदान में किया करते थे। जूं जूं लोगों से ये इलाका आबाद होता गया तो हसबे ज़रूरत झाड़ियाँ साफ कर दी गईं, मगर वो मैदान फिर भी आसेब ज़दा रहा। उस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़यात पेश आते रहे। ऐसा ही एक वाक़या मेरे अब्बू के साथ पेश आया। एक रात अब्बू को काम करते करते देर हो गई। तकरीबन उस वक्त 2:30 से 3 बजे का वक्त था, यानी पिछले पहर। अब्बू रोज़ की तरह उस दिन भी स्टॉप पर उतरे और घर की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ने लगे, और जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा तो उनको एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू काफ़ी घबरा गए कि इस वक्त एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है, कहीं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। अब्बू इसी सोच में थे और उनके कंधे पर एक टूल बॉक्स भी था। काम करने के लिए अब्बू अक्सर बॉक्स अपने साथ ही लेकर जाते थे, जो कि काफ़ी हैवी था। अब्बू ने आवाज़ का ताकुब किया तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से रो रहा है। वो बच्चा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा। बच्चा इतनी रात में मैदान में अकेले कैसे हो सकता है? अब्बू इसी ख्याल और शशोपंज में थे कि अब्बू को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बच्चे की मदद कैसे करें। इतनी रात में इस बच्चे को अकेले रोता बिलकता छोड़कर कैसे जाएं? बहरहाल बहुत सोचने के बाद अब्बू ने फैसला किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए और सुबह होते ही बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवा दिया जाए, यानी पुलिस की मदद से बच्चे की मदद की जाए। अब्बू मतवातर सोच रहे थे कि पता नहीं उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसे कौन यहाँ छोड़कर चला गया, उसके माँ बाप कहाँ होंगे, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगे। इतने सवालों के साथ अब्बू उस बच्चे की जानिब बढ़े और जैसे ही अब्बू उस बच्चे को गोद में उठाने लगे तो क्या देखते हैं कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया। अब्बू उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। अब्बू के कंधे पर वो हैवी वाला बॉक्स भी था। अब्बू तो वहीं साकत खड़े होकर उसे देखते रहे, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। एक छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है? इतना बड़ा कि उसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाना अब तो अब्बू के लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो तो हद तज्जे से बड़ा होता जा रहा था। अब्बू की सांस हलक में अटक चुकी थी, जिस्म इंतहाई भारी हो चुका था, ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबूर हो चुके थे। चीखना भी चाहा तो हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी को मदद के लिए पुकारना चाहते थे जैसे आवाज़ ने साथ देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया हो। खौफ के मारे कदम जमीन पर जम गए थे। भागने का सोचते रहे मगर कदमों ने ज़रा भी साथ ना दिया। आयतल कुर्सी पढ़ना चाहा मगर अल्फाज तो ज़ुबान से अदा ना होने की कसम खाए बैठे थे। अब्बू अजीब हालत में थे। वो जो कुछ देर पहले एक छोटा सा बच्चा था, अब नाकाबले हद बहुत लंबा इंसान था। इंसान कहना ही गलत है, वो तो कुछ और ही हवाई वजूद था। जैसे ही वो अब्बू की जानिब झुका तो अब्बू ने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा किया और लाहौला वाला कुवाता पढ़कर कंधे से बॉक्स मैदान में ही फेंका और ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ भागते भागते उन्होंने बड़ी हिम्मत से मैदान क्रॉस किया और गिरते पड़ते गली में दाखिल हुए, और फिर कुछ हलक से आवाज़ निकली तो अब्बू ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया तो गली के कुछ आदमी अब्बू के चीखने पर अपने अपने घरों से बाहर निकले और वह लंबा और हद दर्जा वसी वजूद अब अब्बू के पीछे पीछे आ रहा था। गली के काफ़ी लोगों ने इस वजूद को अब्बू के पीछे आते देखा तो सब लोग परेशान हो गए कि कोई इंसान इतना लंबा तो नहीं हो सकता।
ये यकीनन कोई और मखलूक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का कद इतना लंबा तो नहीं हो सकता। अब गली के सारे लोग परेशान थे कि अगर वो मखलूक गली के अंदर दाखिल हो गई तो क्या होगा। सबके घरों में बीवी बच्चे हैं, सब डर जाएंगे। कैसे उसको गली के अंदर आने से रोका जाए। और वो गली के बाहर खड़ा मुस्तकिल अब्बू को घूर रहा था। अब्बू मारे खौफ की गली में आते ही बेहोश हो गए थे। चंद आदमियों ने अब्बू को संभाल कर एक चबूतरे पर लिटा दिया था। अब्बू के वालिद यानी मेरे दादा जान एक रूहानी आलिम थे। दादा जान बुलंद आवाज से कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दी तो चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो मखलूक गायब हो गई। और फिर लोगों की मदद से दादा जान अब्बू को घर लाए और सारी रात जाग कर उन पर दम करते रहे। मोहल्ले के तमाम लोग दादा जान से अपने बच्चों पर दम वगैरह करवाने आते थे, नजरे पर झाड़ भी दिया करते थे। दादा जान रूहानियत से ताल्लुक रखते थे, इस बिना पर मोहल्ले में खासे मशहूर भी थे। उस वाक्य की वजह से अब्बू बुखार में कई दिन तपते रहे। कुरानी आयात के दम करने की वजह से अब्बू की तबीयत काफ़ी बेहतर होती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता अब्बू फिर से नॉर्मल जिंदगी की जानिब आ गए। लेकिन पूरा मोहल्ला खासा परेशान था, क्योंकि उस तरह के वाक्यात का होना तो आए दिन का मामूल बन गया था। आए दिन किसी न किसी के साथ इस तरह के वाक्यात रूनुमा होते ही रहते थे। हर शख्स रात के वक्त मैदान से गुजरने में खौफ खाता था। हर रोज कोई नई बात सुनने को मिलती रहती थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दादा जान से बात की तो दादा जान ने मोहल्ले और मैदान के दरमियान कुरानी आयात से हिसार कर दिया और बेजा जरूरत रात के वक्त घर से निकलने के लिए मना कर दिया। जहाँ तक मैं अब नब्बू को जानती हूँ, वो एक सच्चे और नमाजी इंसान है और काफ़ी बहादुर भी। अब्बू का उस वक्त काम कुछ ऐसा था कि रात देर से ही घर आना होता था और रास्ता वही था कि मैदान से गुजरकर गली में आना पड़ता था। मैदान से गुजरने से पहले अब्बू आयतुल कुर्सी की बदनी का हसार बांधते और कुरान आयात की विर्द करते हुए गुजरते। जागती आंखों से बहुत सी नादीदा मखलूक सामने नजर आती थी, मगर कुरानी आयात और हिसार की वजह से अब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इस तरह के मखलूक को अपने सामने देखना और उसे बदतरीज खौफनाक होता देखना, ये बुलाशुबा एक बहादुर इंसान का ही काम है। बहरहाल मेरे अब्बू के साथ जो वाक्या पेश आया वह नाकाबिले फरामोश है। मोहल्ले के लोग इस वाक्य के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कदावर मखलूक को अब्बू के पीछे आते देखा था। अब इस वाक्य को काफ़ी बरस बीत चुके हैं और ये इलाका भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। इस मैदान में अब ईद की नमाज पढ़ाई जाती है। अब वो मैदान ईदगाह सलाहुद्दीन ग्राउंड के नाम से मशहूर है। मैदान के कॉर्नर पर एक स्कूल है। अब तो वो स्कूल भी काफ़ी पुराना हो गया है। हाफ टाइम के वक्त बच्चे उस ग्राउंड में खेलते हैं जो कि पहले वक्त में कब्रिस्तान हुआ करता था। यही वजह है कि अब भी रात के वक्त उस मैदान से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है और कई बच्चे तो डर भी जाते हैं। रात के वक्त ग्राउंड से गुजरने पर काफ़ी गहमा गहमी भी रहती है। लाइट जाने पर मोहल्ले के बेशुमार लोग मैदान में बनी क्रिकेट पिच पर लेट जाते हैं और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज़ भी होते हैं, मगर फिर भी खौफ का आंसर आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन इतनी तरक्की हो जाने के बाद भी मेरी दोस्त जो कि पड़ोस में रहती है, एक दिन हम बैठे हॉरर वाक़यात के मुतल्लिक बातें कर रहे थे कि उसका भाई हमाद आ गया। हमारी बातें सुनकर वो भी बैठ कर कहने लगा, नैना अभी चंद दिन पहले मैं रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर आ रहा था। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते वक्त का पता न लगा, रात काफ़ी हो गई थी और रात का तीसरा पहर था। मैं और मेरा दोस्त बातें करते करते मैदान में दाखिल हुए। हम बातें करते हुए चल रहे थे कि हमने देखा मैदान में सुर्ख जोड़े में मलबूस एक खूबसूरत बहुत ही हसीन औरत क्रिकेट पिच पर बैठी है। मैं और मेरा दोस्त उस सजी धजी औरत को 3 बजे के वक्त अकेला बैठे देखकर परेशान हो गए कि वो अकेली इस टाइम मैदान में क्या कर रही है। मैदान में तो शादियों के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत खूबसूरत मैदान को सजाया जाता है, मगर आज तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रोग्राम हो। हम दोनों परेशान निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे कि उस टाइम भी औरत यहाँ क्या कर रही थी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, यार हमाक मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये औरत है या कहीं कुछ और ही शायद तो नहीं। मैंने दोस्त को कहा कि यार तू तो बड़ा डरपोक है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अभी हम इसी बहस में थे कि वो औरत दुल्हन का लिबास पहने हम दोनों के करीब आने लगी। करीब आते ही अचानक उसका चेहरा बिगड़ने लगा। देखते ही देखते वो खूबसूरत हसीन और जमील औरत बे इंतहा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। उस दुल्हन का इतना भयानक चेहरा देखकर हम दोनों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। तेज तेज भागते हुए हम अपनी गली में दाखिल हुए और घर का दरवाज़ा बुरी तरह पीट डाला और गहरे सांस लेने लगे। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और फिर काफ़ी दिनों तक बहुत तेज़ बुखार भी रहा था। अपनी दोस्त के भाई
हमाद से ये वाक्या सुनकर मैं हैरान नहीं थी, मगर इस सोच में मुब्तला जरूर थी कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये मामलात अभी तक कायम हैं। उन तमाम वाकयात को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस तरह के मामलात कम तो हो सकते हैं, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते। क्योंकि जब मेरे अब्बू के साथ कई साल पहले ये वाकया पेश आया तो उस वक्त झाड़ियाँ और कब्रें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, मगर मामलात कायम थे और आज भी कुछ ना काबिले फरामोश वाकयात पेश आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कई जहान आबाद किए हैं, ऐसी मखलूकात की भी एक दुनिया है और हम इन्हें देखने से कासी हैं। जाने अनजाने में उन मखलूकात के रूठ जाने का सबब बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी से दोचार होना पड़ता है। मेरी अपने कारीन कराम से गुजारिश है कि जब भी रात को घर से निकलें तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर बदनी हसार बांध लें और कोशिश करें कि रात के वक्त घर से कम ही निकलें। बदनी हसार का तरीका यह है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दोनों हाथों पर दम करें और फिर दोनों हाथ सर और पूरे बदन पर फेर लें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और नादीदा मखलूकात से महफूज रखे। आमीन।